हेलो गाइस, तो सभी को राम राम। आज का व्लॉग बनेगा कि निशी के घर वाले मम्मी पापा मेरे लिए पहले क्या सोच रखते थे और अब क्या सोच रखते हैं, तो जैसे कि मैंने लाइव में भी बताया था। तो आज का व्लॉग यही रहेगा बस। और क्या है, अभी मैं आई हॉस्पिटल क्योंकि कल प्रेरणा का अल्ट्रासाउंड हुआ था 8वें महीने का, तो मैं अब उसकी रिपोर्ट लेने आया हूँ। मम्मी गई अंदर, प्रेरणा की मम्मी, और अभी जाएंगे हम वो बर्थडे कहाँ मनाई प्रेरणा का, क्यों सब मना कर रहे, 20 आदमी से ज़्यादा वो परमिशन ना दे रहे। तो अब देखते हैं कहीं जगह मिलती है तो ठीक है, वरना फिर घर पे बनाएंगे। बाकी जय बाबा की, और ऐसी सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। तो गाइस, जैसे कि कमेंट पढ़े थे मैंने कि प्रेरणा को गिफ्ट क्या दिया जाए, आपके कमेंट ज़्यादातर थे कि उसको 13 गिफ्ट दो। तो 13 तो नहीं, मगर मैं उससे अच्छा गिफ्ट दूंगा, उसे पसंद आएगा उसको भी और आपको भी, क्यों फ़ोन तो बस थोड़े दिन चलावे, फ़ोन बदलती रहे, फ़ोन तो बाद में ले लेंगे, मगर उससे अच्छा, बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा, उसे पसंद आएगा और आपको भी। और बाकी देखते हैं फिर बर्थडे को मना रहे उसको। अभी तक तो अब जाएंगे, पहले मम्मी रिपोर्ट लेने गई है, फिर जाते हैं पहुँच गए। और चैनल, खैर मैं आदत पड़ गई, फिर मैं चैनल सब्सक्राइब क्या करूँ भाई, करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। जय बाबा की। अभी वैसे जिम तो आया हूँ मैं, जिम तो आते ही सीधा यहाँ आया हूँ रिपोर्ट लेना है, क्यों रिपोर्ट दिखानी है, डॉक्टर है डिवाइन में, डिवाइन तो चल रहा है इसका ट्रीटमेंट, तो अब जाकर रिपोर्ट दिखानी है। फिर अभी तक तो कुछ खाया भी ना मैंने, सुबह तो यूं ही हूँ जिम गया, 9 बजे फिर 11:30 बजे जिम तो आया घर, फिर प्रोटीन पियो, प्रोटीन पी के सीधा आ गए नौज के रिपोर्ट लेने, अब जा रहा हूँ घर फिर। हाँ सॉरी, वहाँ के बात करना है कि वहाँ का अलाउड होएंगे 9 आदमी 20 से ज़्यादा। और बाकी ऐसी प्यार बनाए रखो, जय बाबा की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पम्मी प्रेरणा व्लॉग्स। जय बाबा की। कोई नहीं, चलो हाय गाइस। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं मम्मी से पूछूंगा मेरे बारे में, वो देख के मैं पहले कैसा है और अब कैसा हूँ शादी होने के बाद, तो मम्मी कैसा है तो वैसे ही इनके लिए कैसे है? हाँ, मेरे लिए कैसे थे, मतलब कि मेरे लिए कैसे है? मतलब कि मैं क्या सोच रही, मेरी हाँ आप सोच क्या रखते हो मेरे बारे में? पानी लाओ पहले, लड़का को धूप में सो रहा है। होगी कुछ नहीं, पहले मतलब मेरे को लगता था कि सच बताना है। सच्ची बताऊंगी मैं, कुछ नहीं, पहले मैं देखती थी कभी, जैसे बच्चों की कई बार हुई थी कि मुझे पता था कि भाई ये बातचीत करती है तो ये बोलती थी फ्रेंड है ये वो, पर मैं बोलती थी ये लड़का अच्छा ही नहीं है बिल्कुल, जब देखो यहाँ वहाँ मारपीट करता फिरता है, आवारा गर्दी करता है, लड़कों के संग घूम रहा है, कहीं वहाँ लड़ाई में खड़े दिख गया, कहीं वहाँ लड़ाई में खड़े दिख गया। तो ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब शादी की है, इसने मना ही करा था प्रेरणा ने कि ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा सोचा भी नहीं था कि मतलब कि ये शादी करेंगे, तो मेरे को लगता नहीं था कि हाँ भाई ठीक है, लड़का बोलने का ढंग नहीं है, मैं यही बोलती थी इसको कि ये ठीक नहीं है, दोस्ती के लायक भी नहीं है, बदतमीज है लड़का, ना बात करने की तमीज है, और मैंने कि लड़कों से लड़ता ही, जब मैंने देखा कभी रोड पे निकल के तो लड़ाई झगड़ों में ही देखा था, क्योंकि घर तो हमारे पास पास ही है। हाँ, तो रास्ता एक ही था, तो कभी हम लोग मार्केट निकल रहे हैं, इनकी शॉप भी थी पीछे, तो मैं देखती थी कई बार, लड़ाई झगड़े में ही देखती थी, तो मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि हाँ हमारे फैमिली मेंबर बने, क्योंकि ऐसा है नहीं कोई फैमिली में। फिर उसके बाद अब तो सासू माँ, अब मतलब कि मेरी तारीफ के पुल बांध दो, झूठे सच अब क्या चेंजेस क्या है, अब फैमिली मेंबर हैं, कोशिश भी करूंगी और चाहती भी यही हूँ कि अच्छे से रहें जैसे लोग फैमिली में रहते हैं। अब तब हम जज नहीं करते थे, जब कोई भी पर्सन होता है तो हम उसको दो तरह से जज करते हैं, पहले हम एक नॉर्मल पर्सन की नज़र से देखते थे, अब हम अपनी फैमिली मेंबर की तरफ से देखते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट भी यही करूंगी। उस टाइम तो चलो, अब मान लो भीड़ में कोई अननोन बंदा पिट रहा है या पीट रहा है, तो हम कहेंगे कोई लड़ाई कर रहा है, और अगर अपना फैमिली का हो तो फिर बंदे का मतलब रवैया चेंज हो जाता है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि ऐसा सब ना करें, ठीक है, प्रेरणा की केयर करें, अपनी फैमिली को फैमिली समझें, और ये लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ों को अवॉइड ही करें, क्योंकि फैमिली के बीच में तो इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है इन सब चीज़ों का। और बाकी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, रिस्पेक्ट करते हैं, अब मैंने बताया जैसे कि दो रवैये होते हैं इंसान के, पहले हम कुछ नहीं थे, अब हम फैमिली मेंबर्स हैं, तो लड़ाई अब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ नहीं करता ये बताओ,
अब ये जबरदस्ती वाली बात, जबरदस्ती वाली बात कर तो वो तो मतलब जब कोई रिलेशन बन जाता है तो बंदा दूसरे तरीके से देखता है, ठीक है। अरे बन जाते वो बात अलग है ना, अब क्या है आपको बताओ ना, अब ठीक है मतलब अब जब बच्चों ने कर ही लिया है, जिसमें बच्चे खुश हैं उसमें हम भी खुश हैं, आप ठीक हैं, बाकी थोड़ा सा चेंजेस में और बस ये है कि मम्मी अभी भी हमारी फैमिली से थोड़े अलग है, क्योंकि हमारी फैमिली में ये मतलब गुस्से वाले सब है पर फैमिली सोच के चलते हैं, पर ये अभी भी ना समझते नहीं है कुछ, अभी भी इधर उधर गुत्ते रहते हैं, तो हमें समझाना हाँ, मतलब वही की लड़ाई झगड़ा ये चीजें हम यही चीज हमें अच्छी नहीं लगती बस। हाँ थोड़ा सा मतलब की हर हम क्या, मैं तो हर किसी को यही कहूंगी भाई फैमिली में होते हैं थाने कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े, इनमें कुछ भी नहीं पड़ा नहीं, अब मान लो अगर सिर पे बिल्कुल पानी आ जाए तो फिर तो हम भी पीछे नहीं हटते इन चीजों से, लेकिन मतलब कोशिश करो कि अवॉइड ही करो इन चीजों को, मानते नहीं है। और बेमतलब कि दूसरे की लड़ाइयों में वो यार दोस्त ने फोन कर दिया, आजा भैया लड़ाई हो गई, चल भाई मैं तो चल दिया लड़ाई हो रही है वहां चला मेरा तो नोता आ गया, ऐसे भागते हैं कई बार, यहाँ पे होते हैं फोन आ गया क्या हो गया खाना छोड़ के, अरे वो लड़ाई बाज गई वहां जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, जैसे कि मतलब कितने बड़े गैंगस्टर हाँ मतलब कितने बड़े गैंगस्टर हैं यहाँ, मतलब इनको संबोधित किया जाएगा वहां बुला के, तो मतलब ये चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मतलब हम नहीं चाहते कि ऐसे कुछ फैमिली में ऐसे कुछ इश्यूज हों जिसकी वजह से अगर घर के किसी भी पर्सन के साथ कोई प्रॉब्लम होती है लड़ाई झगड़े में तो सारी फैमिली को ही फेस करना पड़ता है वो, तो थोड़ा सा सुधार है, थोड़ा सा और हो जाएगा समय के साथ, कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बच्चा पेपर दे रहा है, पढ़ाई कर रहा है, साल बाद रिजल्ट आएगा। और जी तो आज कुछ थोड़ा दो चार बात इंग्लिश में भी बात कर लो, अब आगे आगे सारी बात इंग्लिश पूछ गुन्नू, गुन्नू मम्मी से इंग्लिश में कुछ ना कुछ पूछ, पूछ बेटा पूछ, गाइस आपने बोला था कि इंग्लिश में बात करनी है, आज गुन्नू पूछे देखा होगा कल का, हाँ तो अब आप गुन्नू इंग्लिश में, आज नेट भी नहीं जाएगा इसमें, नेट की भी जरूरत नहीं होती, चल कल गुन्नू इंग्लिश में बात कर, क्या पूछो इनकी इतनी फैंसी इंग्लिश है, मैं आपको नहीं बोल रही, कुछ तो बात करना इनसे, कुछ प्रेरणा का बर्थडे आ रहा है उसके बारे में पूछ, किस चीज वही फादर्स प्रोफेशन वगैरह पूछ ले, उसमें भी बर्थडे आ जाएंगे, पूछ मेरा सामना सामने से पूछियो चाना भाई भाई मत पूछियो फिर मेरे सिर तो ऊपर डाल लोगे, व्हाट इज योर प्लान अबाउट 6 जनवरी, माय प्लान इज एंड तोहफा देई बहुत बेहतरीन, एंड क्यों कर दिया, अरे वो कोई बात नहीं जो कह रहे हो वो सुनो, माय बीवी इज बर्थडे 6 जनवरी, बेहतरीन का है लेटरिंग का है, अरे बेहतरीन, अगला सवाल पूछ गुन्नू, इतना सही था और का, अच्छा सवाल का जवाब तो तुझे मिला नहीं है तो हमें पता है, लेकिन जो उनको आया समझ में आ गया, पूछ कोई सवाल, आपको बढ़िया लगा होगा योर फैमिली, ये तो इंग्लिश की लेक्चर आ रहे हैं ना, चुप कॉलेज में लेक्चर आ देती है, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, टेल मी समथिंग, के टेल मी यू तो बता थोड़ी सम अबाउट योर फैमिली, फैमिली अपने घर वालों की तरफ बताओ, अपने घर वालों फैमिली पूरे घर वालों के लिए के लिए तुम क्या सोचते हो ये बताओ, अच्छा माय फैमिली अपने घर वालों के बारे में, माय फैमिली इज फेवरेट, माय फेवरेट इज फेवरेट, माय फैमिली इज ऑसम, और कुछ पूछ रहा है बाप रे, थोड़ा हाई सब पूछ रहा है, दीदी को आसान लग रहा है सवाल, कुछ हाई सब पूछ रहा है, अरे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा यार, कुछ ना यार, नॉर्मल तुम ही घणी, तेरी भी इंग्लिश फेल हो गई मुझे लग रहा है, एक तो बालक पड़ा है हमारे घर में वो भी ठीक से बात बोल गई, वो भी मेरा कहीं भी बोल गया, वो भी ऐसे ऐसे ये दो इनके साथ रह रहे के इनकी भी सीख, कुछ और पूछ नहीं बात कर, अच्छा चलो बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अरे पूछ ना जल्दी टाइम वेस्ट कर दिया यार तू, नहीं बस हो गया आज के लिए इतने काफी, इधर ले जाओ फोन निकाल, अरे थोड़े से इंग्लिश में कर ले बात अपने भाई साहब, इंग्लिश में आज ज्यादा हो गई थी हमारी सबकी इंग्लिश, अब हम पियेंगे भी तो अब हम ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, और इंग्लिश में करो पम्मी से, इंग्लिश में एंड करो अभी, पम्मी जी से इंग्लिश में करवाएंगे, पम्मी जी और आओ जी पहले तू कर ले, माय ब्लॉग इज एंड गाइस एंड, ठीक है तो जय बाबा की, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और लाइक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और आप भी कुछ कहना चाहोगे बोलो प्लीज सब्सक्राइब, आप भी अपने पति के बारे में कुछ कहना चाहोगे तो सब तो कह सकते हो आप, बाकी अरे बड़ा माथा आ रहा है पीछे का दो शब्द पम्मी डैडा, और आप कुछ कहेंगी प्लीज सब्सक्राइब, मत सब्सक्राइब करो इंग्लिश में बोलो सब्सक्राइब, चलो गाइस बाय बाय, जय बाबा की, बोलो प्लीज सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।